अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। दवाई है मैं। अच्छा कि आप ले आए, वैसे भी खत्म ही होने वाली। अम्मी और फूफी अम्मी सो गए हैं? हाँ जी वो सो गए। अरे आपको आपको क्या आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है। बहुत तेज बुखार है मुझे। प्लीज आप सीधा कमरे में चलें, आपको मैं रेस्ट करवाती हूँ। प्लीज चलें। सलामकुम भाभी। वालेकुम सलाम। आते हुए प्लीज आप घर जल्दी आ जाएं। उमर को बहुत तेज बुखार है, मुझे लग रहा है कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। प्लीज आप जल्दी आ जाएं। जी भाभी मैं भी आ रहा हूँ। आ जाएं आ जाएं आराम से, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज बैठे बैठे, प्लीज आराम से बैठे, लेटे हैं आराम से, लेट जाएं। अच्छा भाभी आप मेडिसिन देकर दोबारा चेक कर लीजिएगा। हाँ। अगर बुखार तेज हुआ ना तो मुझे उठा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। उमर, जन्नत। जी आंटी जी, आ जाए आ जाए आंटी जी। क्या हुआ बेटा, तभी ठीक है ना तुम्हारी? आंटी जी मैं तो ठीक हूँ, रात भर उमर को बहुत तेज बुखार था। अच्छा तुम मुझे उठा देती ना, क्यों नहीं उठाया मुझे? आंटी जी आप सो रहे थे, आपकी तबीयत भी खराब रहती है, मैंने आते भाई को कॉल कर दी थी, वो आ गए थे, हम हॉस्पिटल ले गए थे उमर को। लेटे रहो। नहीं मैं मुझे ना ऑफिस के लिए तैयार होना है। तो आज छुट्टी कर लो ना मेरी जान। नहीं कर सकता छुट्टी। अच्छा मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अब नहीं नहीं तुम उमर को देखो, मैं बना लूंगी। क्या प्लीज शाम की जॉब छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकता जन्नत, बताया था ना तुम्हें कर्ज है, मैं चुकाने। सुनिए मुझे ना आपसे एक बात कहनी है। आपको पता है मुझे गोल्ड ना कभी पसंद ही नहीं था, तो आप एक काम करें, आप इनको ले जाएं और सारा कर्जा उतार दें। क्या हो गया तुम्हें? अब मैंने ये तो नहीं कहा तुम्हें, जब उसे वापस रखो और आज के बाद ऐसी बात सोचना भी ना जन्नत। मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। जानता हूँ लेकिन इतने भी मुश्किल हालात तो नहीं आए ना कि हम ज्वेलरी बेचते हैं, और अल्लाह ना करे हम पे कभी वो वक्त आए जन्नत जब हमें तुम्हारी ज्वेलरी बेचनी पड़े। फिर भी थैंक यू सो मच। इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल, रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।